नमस्कार पिलामने पिलामने प्रीवियस वीडियो रे आमे प्राणी जगतर श्रेणी भाग पढ़ुथिले आउ सेठी आमे निडारिया बा सिलेंटारेटा पर्व पर्यंत सारिथिले आज आमे प्लाटीहेल्मिन्थेस आउ नेमाटोहेल्मिन्थेस विषय रे जानिबा पिले प्लाटीहेल्मिन्थेस प्रथमे जानिबा प्लाटीहेल्मिन्थेस प्लाटीहेल्मिन्थेस को आमे चेप्टा कृमि बोली मध्य कही था कहीं शरीर चेप्टा एवं कोमल सेकेंड पॉइंट आम लिखिपर ये चेप्टा कृमि मानक साधारणतः गोटे मुख थाए एवं से मुख द्वारा से माने खाद्य ग्रहण करती एवं बर्ज्यवस्तु निष्कासन करती तो मुख द्वारा खाद्य ग्रहण हुए एवं मल मध्य निष्कासन हुए साधारणतः केतेक चेप्टा कृमि स्वाधीन भाव जीवन जापन करती स्वाधीन भाव जीवन जापन करिवार अर्थ निज खाद्य को निजे खोजिकी खाइकी बंचंती जेमिति कि गोटे एग्जांपल है प्लानारिया प्लानारिया बोली गोटे चेप्टा कृमि अच्छी जीए स्वाधीन भाव जीवन जापन करे मात्र बहुत सारा चेप्टा कृमि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म चेप्टा कृमि अंडर जो मन रहिले से माने परजीवी भाव निजर जीवन जापन करी थांती तो साधारणतः से माने परजीवी भाव निजर जीवन जापन करती आम दीटा एग्जांपल देखिबा गोटे होची जकृत कृमि गोटे होची फीता कृमि ये दीटी हेले परजीवी भाव जीवन जापन करुथिबा फेट चेप्टा कृमि उदाहरण आउ जे स्वाधीन भाव जीवन जापन करे ता ना हला प्लानारिया एवं एमानंकर साधारणतः दुई पार्श्व प्रतिसाम्य देखा जाए दुई पार्श्व प्रतिसाम्य देखा जाए पहले दुई पार्श्व प्रतिसाम्य कौन ना दुई पार्श्व प्रतिसाम्य माने होची जदि तुम ऑर्गेनिज्म को काटिबा को चाहिबो आउ एमिते काटिबा को चाहुचो जे जो दुईटा पोर्शन बा जो दुईटा पार्ट काटिबा फल रे तयार हेबे से दुईटा पार्ट पूरा इक्वल होथिबे माने एपट पार्ट रे जो जो अंश थिबो जेतिक परिमाण थिबो सेपट पार्ट रे भी सेही अंश थिबो आउ सेतिक परिमाण थिबो त माने इक्वली हाफ तमे करबा को चाहुचो तेबे तमे केवल गोटिए समतल द्वारा ही ए ऑर्गेनिज्म को समान दुई भागरे विभक्त करि परिबो अन्य कोनोसी समतल रे तमे जदि ताको काटिबा को चाहिबो तेबे से समान दुई भागरे विभक्त होनी सपोज तमे कहबो एमिति काटिबे एमिति काटले ऊपर अंश आ तळ अंश केबे भी समान हबो नाही तमे जे कोनोसी समतल रे जदि ताको काटिबा को चाहिबो जो कोनोसी प्लेन रे काटिबा को चाहिबो से कटिबो नाही माने दुईटी समान भागरे विभक्त हबो नाही किन तुम जी यही प्लेन रे ही केवल काटा मानते जेकोसी गोटे समतल काटिले जो जीवटी समान दुई भाग में विभक्त हुए ताकू आम कहू से दुई पार्श्व प्रतिसाम्य प्रदर्शन करुच्ची एग्जाम्पल चेप्टा क्रूम हो पार एग्जाम्पल आम जेकोसी स्तन्यपाई से माने साधारणतः दुई पार्श्व प्रतिसाम्य बायलैटरल सिमेट्री प्रदर्शन करते यहाँ गोटे नुआ पॉइंट तो मन रखे दुई पार्श्व प्रतिसाम्य देखा आउ कौन ना यम शरीर में प्रगुहा न था एम शरीर में प्रगुहा न था बोले प्रगुहा कौन ना प्रगुहा हूँ सपोज मु गोटे ऑर्गेनिज्म रो बॉडी को काटिली सेक्शन काटिले पहले सपोज ए जगह को मोर कटा हला जदि मोर ए जगह को कटा हबो ताहले मोर एटा हबो बॉडी कवरिंग ए जो पोर्शन टा पूरा ता भितरे मोर गोटे ट्यूब जाइथिबो जोटा खाद्य नली से खाद्य नलीटा देखा जाउथिबो ऊपर देखिले तो एटा होची बॉडी कवरिंग एटा होची खाद्य नली या भितरे जो गैप रहिला ए फांका स्थानटा को आमे कोन कहूचे ना सिलोम बोली कहूचे बा प्रगुहा बोली कहूचे बुझला ता माने आमर ए फांका स्थानटा प्रेजेंस अच्छी ता माने आमे कहिबा आमर प्रगुहा अच्छी किंतु जेतबेले आमे प्लाटीहेल्मिन्थेस चेप्टा कृमि कथा देखुचे तांकर ए जो फांका स्थानटा नाही सेथिपाई आमे कहूचे एमानंकर प्रगुहा न थाए बोली क्लियर हला पिले आउ कौन आमे कहिपरिबा ना एमाने साधारणतः त्रिस्तरीय ए पॉइंट एठू कंटिन्यू करिबा एक्चुअली पूरा आग जाए
केवल पोरीफेरा आउ सिलेंटरटा इमाने हेले दुई स्तरीय जीव प्लाटीहेलमिन्थेस नेमाटोहेलमिन्थेस एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकेनोडर्माटा हेमिकोडाटा प्रोटोकोडाटा कोडाटा ये समस्ते साधारणतः त्रिस्तरीय अंतर्गत जीवे त्रिस्तरीय माने कौन ना जेतेबेले गोटे जे कोनोसी प्राणी जेतेबेले निजर भ्रूण अवस्था रे थाए जेतेबेले डेवलपमेंट होथाए जे अंडा भितरे होउ किमा मातृ गर्भ भितरे होउ सेतेबेले तार तीनटा जायक स्तर तयारी होए से तीनटा जायक स्तर ना होउछि पिले एक्टोडर्म मेजोडर्म आउ एंडोडर्म बुझला एक्टोडर्म मेजोडर्म एंडोडर्म ये तीनटा जायक स्तर जहारो तयारी हबो सपोज एटा होची बाहर स्तर क्लियर एटा होची एक्टोडर्म एटा होची मेजोडर्म एटा होची एंडोडर्म क्लियर बुझला जदि एंते तीनटा जायक स्तर तयारी हबो भ्रूण अवस्था बेले सेत बेले तमे ताकु त्रिस्तरीय जीव बोली कहिबो जदि तार मेजोडर्म नथिबो केवल एक्टोडर्म आ एंडोडर्म थिबो सेत बेले तमे ताकु दुई स्तरीय जीव बोली कहिबो एई जो तीनटा स्तर तयारी बे नाम कोन कहिले बेले जायक स्तर माने जहाथुरु जनन हबो जनन माने सृष्टि हबो कौन सृष्टि हबो ना एई तीनटा स्तर रो ही गोटे जीवर विभिन्न अंग तयारी हुए किछि अंग एक्टोडर्म तयारी हुए किछि अंग मेजोडर्म तयारी हुए किछि अंग एंडोडर्म तयारी हुए ए माने त्रिस्तरीय अर्थ ए मानक शरीर रे जहां जहां अंग प्रत्यंग अछि से अंग प्रत्यंग तीनटा स्तर रो तयारी हेछि किंतु जो माने पोरीफेरा हेले सिलेंटरटा हेले ए मानकर दुई स्तरीय कारण से मानकर शरीर समस्त अंग प्रत्यंग दुईटा स्तर रो तयारी हेछि बुझला पले त्रिस्तरीय माने कोन एतिक पॉइंट्स हमें जनरली आबे से लिखि परिबा एग्जांपल कोन नबा ना एग्जांपल मु कहि सलेनी तीनटा एग्जांपल गोटे होची प्लानेरिया गोटे इंटरेस्टिंग कथा प्लानेरिया रो रीजेनरेशन कैपेबिलिटी देखा जाए आ सेटा हाई रीजेनरेशन कैपेबिलिटी जत्ते प्राणी अछंती सब प्राणी को भीतर सबठारो हाई रीजेनरेशन कैपेबिलिटी थाए प्लानेरिया रो रीजेनरेशन कैपेबिलिटी माने पुनरुद्भवन क्षमता अर्थात तमे जदि प्लानेरिया को प्लानेरिया एमते देखिबा को एक्चुअली प्लानेरिया को जदि एठु काटि दबो तले ये दी खंड प्लानेरिया दीटा खंड दीटा प्लानेरिया डिवाइड हो जे तमे जदि एमी ताको पीस पीस भी कर दबो प्रति पीस रु गोटे गोटे नुवा प्लानेरिया से सृष्टि करि पालिबो बुझला तो एटा उपाय जे पुनरुद्भवन क्षमता पूर्णी थरे सृष्टि करिवार क्षमता आउ कोन ना जकृतकृमि जाको फासियोला बोली कह जाय जाको जकृतकृमि कोला फीताकृमि टेनियासोलियम बा टेप वर्म बा फीता कृमि काहे कि नै ये फीता भलिया देखा जाय जो मीटर फीता थाय हमें मापु हमरो उच्चता केते बा मोटे केते से फीता भलिया देखा जाउ थवर ओको फीता कृमि कहा जाय ए जो जकृत कृमिटा साधारणत मेंढा मानंकर जकृत रे वंश वृद्धि करे एवं जनरली गृहपालित पशु मेंढा गाई एमानकर शरीर रे किछि क्षति घटाए बेले बेले ये मनुष्य शरीर को मध्य संक्रमित होई परिबो जदि तमे कोनोसी गोटे संक्रमित मेंढा रो जकृत किंबा अन्य कोनोसी अंश खाइथिबो तबे तम शरीर को मध्य तार लार्वा आसी कि से इन्फेक्शन करै पारे किन सेटा बहुत रेयर बेसी से मेंढा मान छेली एमानक बॉडी रे ग्रोथ करे आ सेमानक बॉडी रे डिफरेंट टाइप रो सिरोग करे फीताकृमि होची मनुष्यर अंतरनळी रे एक्चुअली बढे अर्थ मनुष्यर खाद्य नळी रे बढे केमिति से मनुष बॉडी को आसे ना ये जनरली घुसुरी मांस खाइबा द्वारा आम बॉडी को आसी थाए घुसुरी मांस जो घुसुरी मानंकर बॉडी रे ए फीताकृमि मानंकर लार्वा गुडा थाए जदि आमे सेही घुसुरी को खाइबा तबे से आम बॉडी को आसपरिबा आउ आम बॉडी भितर ग्रो करिबो ग्रो करि सरला पर एमाने सेभराल मीटर रही पारंती माने केते मीटर पर्यंत लंबा हेई पारंती आ आम अंतरनळी रे बास करंती खाद्य नळी रे बास करंती आम बॉडी रे विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि हुए हमर ओजन कमे डायरिया वोमिटिंग ए सब भलिया किछि सिम्पटम्स देखा जाय बुझला पिले तले एतिक हेउची चेप्टा कृमि बा प्लाटीहेलमिन्थेस विषय रे जति कि जानिबा कथा क्लियर नेक्स्ट हेउची नेमाटोहेलमिन्थेस
तो एबे हमें पढ़बा नेमाटो हेलमिंथेस विषय रे। नेमाटो हेलमिंथेस को हमें जनरली गोल कृमि बोली कहिथो। एथिबे हमें गोल कृमि कहू कारण जेंते चेप्टा कृमि मानन को बॉडीटा फ्लैट हेथाय चेप्टा हेथाय गोल कृमि मानन को बॉडीटा ए चॉक भलिया तांका बॉडीटा एंती गोल हेथाय सेथि पै हमें तांको गोल कृमि बोली कहचे। ए माने साधारणत ओदा माटी किंबा पानी रे बास करंती। ए मानन को विषय रे जदि मैं पॉइंट्स कहिबा ए माने साधारणत परजीवी भाव रे बास करंती विभिन्न जीव मानन को शरीर रे परजीवी भाव रे बास करंती एवं ए मानन को शरीर रे प्रकृत प्रगुहा नथाय प्रकृत प्रगुहा नथाय पिले प्रकृत प्रगुहा नथाय माने सत प्रगुहा नथाय यदि सत प्रगुहा नथाय ताले कोन थाय ना मिछ प्रगुहा थबो सेते पई एमानकु स्यूडो सिलोमेट बोली कहा जाय। स्यूडो सिलोम थिबारो ए ऑर्गेनिज्म माननकु स्यूडो सिलोमेट बोली कहा जाय। स्यूडो माने हला पिले मिछ माने पका मु तुमको जेते बळे अमीबा विषय रे कहितली मु कहितली तार कुटपाद अछि से कुटपाद को मध्ये हमें कोन कहिले स्यूडोपोडिया। स्यूडो माने होछि मिछ पोडिया माने होछि पाद त तार मिछ पाद देखा जाय। एठी सेंती ता पखरे स्यूडो अर्थ मिछ सिलोम अर्थ प्रगुहा अर्थ ता पखरे प्रकृत प्रगुहा न थाए प्रगुहा भळी देखिवा को किछि अंश थाए कारण जदि हमर फांका स्थान रहिबो सेटा एक्टोडर्म माने बॉडी कवरी आउ जो खाद्य नली रहला ता भीतर पूरा फांका स्थान रहिबो आ बॉडी रे एमती पाउच भळी किछि जागा रहिथाय तो एटा प्रकृत प्रगुहा नुह आमको प्रगुहा भळिया होय तो देखा जाई पारे फांका स्थान अछि याक दि जणक भीतर किंतु एगुडा को हमें प्रगुहा कहि परिबा नाही सेथि पई हमें आकु ना देले स्यूडो सिलम बा मिछ प्रगुहा बुझला। एमाने मध्ये पिले त्रिस्तरीय एमाने भी एमानक शरीर भी त्रिस्तरीय अर्थ एक्टोडर्म मेजोडर्म एंडोडर्म थाए। नेक्स्ट पॉइंट आम लिखि परिबा एमानकर रक्त संचालन तंत्र तथा आउ आमर श्वसन तंत्र न थाए मात्र आंकर रेचन तंत्र एवं स्नायु तंत्र थाए। रेचन तंत्र थाए रेनेट सेल बोली गोटे सेल थाए जो मानक द्वारा एमाने रेचन अर्थ बर्ज्यवस्तु त्याग करिथांती यार खाद्य नळीटी संपूर्ण पिले खाद्य नळी संपूर्ण कौन पुणी असंपूर्ण कौन ना खाद्य नळी संपूर्ण रो अर्थ होची तमे सेतो बळे खाद्य नळी को संपूर्ण कहिबो जेतो बळे खाद्य ग्रहण आउ मल त्याग पई दीटा अलगा अलगा बाट थिबो सेतो बळे तमे ता कहिबो खाद्य नळी संपूर्ण किंतु जदि जो पटे खाद्य ग्रहण होची सेई पटे ही मल त्याग होची ता माने ताकु तमे संपूर्ण खाद्य नळी न कहि असंपूर्ण खाद्य नळी कहिबो जोटा प्लैटिहेल्मिंथेस पाखरे थिला किंतु नेमाटोहेल्मिंथेस पाखरे मुख गहर थाए एवं मल द्वारा अलगा थाए सेति को कहा गला खाद्य नळीटी संपूर्ण बुझेला पिले। अरे एग्जांपल मु कोन कहि परबि ना एग्जांपल रे जीव गोटे पिन वर्म बा दशकृमि जाउ कहा जाय आस्कारिस आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड ताना अंकाइलोस्टोमा जहा को पिले अंकुश कृमि बोली कहा जाय तम बहिरे किंतु आस्कारिस को अंकुश कृमि लिखिछि किंतु अंकुश कृमि बा हुक वर्म आमे कहु अंकाइलोस्टोमा को एवं फाइलेरिया वर्म बा गोदर कृमि जाउ क जे उचेरिया ब्रांक्रोप्टी तार साइंटिफिक नेम होची उचेरिया ब्रांक्रोप्टी सेटा होची फाइलेरिया वर्म बा गोदर वर्म। आ गोटे पॉइंट मु एठी पिले कहिया को भूल जाइछि जे ए जो नेमाटोहेल्मिंथेस मानंकर हुए कोन ना सेमानकर लिंगर प्रभेद थाए अर्थ गोटाए मेल आ गोटे फीमेल वर्म थाए गोटे मेल कृमि माई कृमि आ गोटे अंडेरा कृमि थाए एवं से दिटा पूरा अलग अलग बारी हुवंती एटा मु आस्कारिस रो डायग्राम करछि पिले त
तमे एठी देखि परिबो जनरली मेल टा छोटो थाए फीमेल टा बडो थाए आ मेल रो एंड टा एंती कॉइल्ड हे कि बोंका हे कि थाए हम एठू देखि कहु जे एटा होची मेल आस्कारिस एटा होची फीमेल आस्कारिस तो समानक भीतर लिंगगत पार्थक्य रही थाए जोटा के प्लैटीहेल्मिन्थेस पाखरे नथिला बुझेला ए जो आस्कारिस आस्कारियासिस रोग कराए बहुत गोल कृमि रोग कराए आम बॉडी रे मनिसर अंतरनळी रे वास करे अंतरनळी रो हृदपिंड हृदपिंड रो फुसफुस फुसफुस रो फूणी खाद्य नळी क्षेत्र रे प्रवेश करि परिबो ए जो अंकुश कृमि ये मध्य हमर शरीर मध्य रे प्रवेश करे केते बळे प्रवेश करे जनरली आरो लार्वाटा आम गोडो बा हातर पतळा चर्म देकी भितरे कोणा करि पसे तो जेते बळे आमे जेते बळे बाहर को जाउचे जदि आमे चप्पल न पिंचे बा बाहर जो गा मानकर हैला कि रूरल एरिया रे जोठी बाहर को सब आमे मलत्याग करिया को जाउचे खाली पाद रे जाउचे जनरली सेठी सेही माटी रे ओ काना में पड़ले ओदा माटी आ पानी रे माने वास करंती तो सेहीटी से मानको लार्वाटा थाए से लार्वा गोडा हुक थाए से हुक द्वारा से माने प्रथमे फेर पे नगना अंकुश हला अंकुश द्वारा से माने चर्म सहित लागंती आ चर्म को कोणा करके भीतर को पसंती भीतर को पसिला परे तापर बॉडी रे विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि करंती फाइलेरी वर्म गोदरिया गोदर कृमि जे आम बॉडी रे फाइलेरिया रोग कराए गोदर जो गोड गोदर होई जाय ताको एलिफेंटासिस रोग मध्य कहा जाय कारण हमर गोडटा एलिफेंट भलिया मोटा है जाय हाथी रो गोड भलिया मोटा है जाय तमे जानि छ फाइलेरिया वर्म गोटे मसाबाहित रोग को मसा द्वारा हुए ना माई क्यूलेक्स मसा द्वारा तो माइक्यूलेक्स ए जो फाइलेरिया वर्म को नहीं कि गोटे सुस्थ लोक पाखे छाड़ पार तर लार्वा को बुझेगा बिले ये पॉइंट्स आम नेमाटोहेल्मिन्थेस लिखिपर ताल ये आम प्लैटीहेल्मिन्थेस नेमाटोहेल्मिन्थेस पढ़ले नेक्स्ट क्लास आर्थ्रोपोडा आउ एनलेडा विषय पढ़ा क्लीयर है पिले प्राणी जगतर श्रेणीभाग धीरे धीरे आम आगौचे जिते तुम्हें क्लीयर ही डायग्रामेटिकली देखि देखी मन रखी एग्जांपल तुमको पॉइंट सब लिखापी सुविधा हाँ आशा करमें बहुत भल भाव बुझीप तुमको लिखापी सुविधा हो पॉइंट करके जहाँफल तुम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ले कि जेकोसी मार्क टू मार्क थ्री मार्क भितर पूरा पढ़ले भी तुमको आसीपर आशा करछि तुमको बहुत भल लगुवे पाठ पढ़ा यदि भल लगुच सहित सेयार कर और तुम लाइक सब्सक्राइब करने कह धन्यवाद।